जिले के खैरलांजी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत टेमनी निवासी सेना में तैनात एक जवान बालाघाट टेमनी से नागपुर होते हुए दिल्ली गया, जहां पर वहां कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके बाद एहतियात के रूप में प्रशासन के द्वारा इस जवान के संपर्क में उसके रिश्तेदारों को बालाघाट में आइसोलेशन वार्ड भेज दिया गया है। यही नहीं, उस जवान के गांव टेमनी के एक वार्ड को कुछ दिनों के लिए सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार टेमनी निवासी जवान लॉकडाउन के पहले ही छुट्टी लेकर दिल्ली से अपने गांव पहुंचा था। इस दौरान गांव में रिश्तेदार की शादी में शामिल हुआ था, जिसके बाद वे और भी दूसरी जगह पर गया था। यह जानकारी मिलते ही वारसविनी के SDM टेमनी पहुंचकर परिवार के 5 सदस्यों को एम्बुलेंस से बालाघाट गायखुरी लेकर आए। SDM ने बताया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, जब इनकी जांच होगी उसके उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी उन लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट खंगाला जा रहा है, इसके बाद ही कुछ संभवतः कहा जाएगा। कोरोना मरीज 25 मई को अपने गांव से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जिनमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को नागपुर छोड़ने के लिए गए थे और 28 मई को रिपोर्ट आने पर कोरोना की पुष्टि हुई है। टेमनी ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति हैं, ये 25 तारीख को यहाँ से नागपुर गए हैं, नागपुर से दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनकी रिपोर्ट जो है 28 तारीख को पॉजिटिव आई है। उसी संबंध में यहाँ पे आके अभी तो सील कराया गया उनके घर के आसपास का एरिया, और इनके घर में जो भी परिवार में 5 सदस्य थे तो उनको अभी बालाघाट भेज दिए यहाँ से, और वहाँ पर उनका सैंपल होगा। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसको कंटेनमेंट एरिया घोषित करना है या फिर सील करके ही हमारा जो है ग्राम पंचायत। खुर्सी पार के 2 लड़के थे जो उसको छोड़ने नागपुर गए थे, और उसमें शायद परिवार का कोई जीजा भी है उनका, तो उनसे भी उनका मिलना जुलना था, तो उन तीनों को भी सैंपल हम लोग कल कराएंगे उसका भी। नहीं, ऐसा हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे कि संक्रमित होके गए हैं कि बीच रास्ते में हुए हैं या 3 दिन के सफ़र में हुए हैं। अब यार रिपोर्ट एक बार आ जाए परिवार वालों की, जो हमारे अभी हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाया है उसकी रिपोर्ट आ जाए सभी की, तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ से संक्रमण हुआ है या वहाँ गए हैं तब हुआ है।